मुझे याद है मैं जब गुजरात में था तो मैंने एक काम किया था। ये आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, मैंने कहा उनको अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए उनके लिए। और मैंने उस समय जो हमारे यहाँ टीम थी मैंने कहा एयर होस्टेस से भी अच्छे कपड़े आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर के होने चाहिए। और मैं देख रहा था कि पहले गांव में सरकार मतलब कोई पुलिस वाला आया तो लगता था कि सरकार आई। मैंने इनका सारा यूनिफॉर्म बदल करके ये स्थिति पैदा कर दी थी कि गांव वालों को लगता था ये मतलब सरकार। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी प्रेस्टीज मिली होगी। उसी साइकी उसी सोच से मैंने ये नमो ड्रोन दीदी एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। साथियों, आज भारत के हेल्थ सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसकी भी चर्चा उतनी नहीं होती। डॉक्टर त्रेहान यहाँ बैठे हैं, आप लोग 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना के विषय में कभी न कभी सुना है, कभी जाना भी होगा। लेकिन आप आज गांवों में जाएंगे तो वहां आपको एक और चीज मिलेगी, वो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हमारा प्रयास रहा है कि गांव में ब्लॉक में आधुनिक हेल्थ सेंटर की सुविधा हो, इसलिए हमने देश के गांवों में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। कुछ लोगों की परेशानी ये सारी योजना मंदिर में अटक जाएगी, वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। अब आप फिर कहेंगे कि मोदी जी ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहां से लेकर आ से गए। ये काम लगातार चल रहा है लेकिन एक काम हेडलाइन नहीं बनता है। इन आरोग्य मंदिरों में सामान्य टेस्ट तो होते ही हैं, साथ ही डायबिटीज से लेकर के कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच वहां पर होती है। और इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को हम डिजिटली बड़े अस्पतालों से जोड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव के मरीजों को भी सीमलेस ट्रीटमेंट मिले। आज हम टेलीमेडिसिन की एक बहुत बड़ी सुविधा देश के गांव गरीब तक पहुंचा रहे हैं। हम डिजिटल रिवॉल्यूशन यूपीआई में दिखता है, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है। अगर आपको सुविधा हो ई संजीवनी ऐप के माध्यम से ही, अभी तक देशवासी 24 करोड़ कंसल्टेशन घर बैठे ले चुके हैं, 24 करोड़। देश के गांव में हो रही इस हेल्थ क्रांति की चर्चा भी आज उतनी ही जरूरी है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने गवर्नेंस का एक बिल्कुल नया मॉडल विकसित किया है। हमने उस पर फोकस किया है जो प्राथमिकताओं में सबसे पीछे रहता था। हमने सरकार बनते ही देश के 100 से अधिक पिछड़े जिलों के विकास के लिए अभियान चलाया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के कारण आज ये जिले अनेक पैरामीटर्स में दूसरे जिलों से भी कहीं आगे निकल चुके हैं। अब इस सफलता को हम डिस्ट्रिक्ट से नीचे ब्लॉक स्तर पर ले जा रहे हैं। हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम शुरू भी कर दिया है। साथियों, हमारा नॉर्थ ईस्ट वो पहले की सरकारों की प्राथमिकता में सबसे पीछे था,
लेकिन 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने तय किया कि हमारे मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी हर 15 दिन में उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे नॉर्थ ईस्ट में, और वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं, इंटीरियर में जाना होगा। मेरे मिनिस्टर्स को भी जाना है, और इतना ही नहीं, रात को रुकना है। 2014 के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने 680 टाइम नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है, करीब करीब 700 बार भारत सरकार के मंत्री। प्रधानमंत्री के रूप में मैंने इस देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री हो गए उन सबने टोटल जितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए होंगे उससे अनेक गुना बार मैं अकेला गया हूं।